मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा, मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 4 जून 2023 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे, जिसकी रिवाइज डेट है 31 दिसंबर 1994। मुरली का सार है, नए वर्ष को शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष के रूप में मनाओ। नए वर्ष को शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष के रूप में मनाओ। तो चलिए बड़े प्यार से एकाग्रता से सुनते हैं आज के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज नवयुग रचता बाप दादा अपने नवयुग राज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। नव वर्ष को देख अपना नवयुग याद आता है। नवयुग के आगे यह नव वर्ष कोई बड़ी बात नहीं। जिस नव युग में हर वस्तु, हर व्यक्ति, प्रकृति सब नया है, नया वर्ष जब शुरू होता है तो पुरानी वस्तु व व्यक्ति के पुराने स्वभाव, संस्कार, चाल चलन कुछ नए होते हैं, कुछ पुराने होते हैं। लेकिन आपके नवयुग में पुराने का नाम निशान नहीं। व्यक्ति भी नया अर्थात सत्वप्रधान है और प्रकृति भी सत्वप्रधान अर्थात नई है। प्रकृति भी आजकल जैसा पुरानापन नहीं होगा। प्रकृति में भी आजकल के जैसा पुरानापन नहीं होगा। तो नवयुग की मुबारक के साथ नव वर्ष की मुबारक। आज विशेष नया वर्ष मनाने के उमंग उत्साह से, खुशी खुशी से सभी पहुंच गए हैं। तो बाप दादा भी दिल से, दिल की दुआओं सहित नवयुग की और नए वर्ष की डबल मुबारक देते हैं। आप सभी को भी डबल याद है या सिंगल याद है? अपना नया युग नैनों के आगे बुद्धि में स्पष्ट है ना? जैसे कहेंगे कल से नया वर्ष शुरू है, ऐसे ही कहेंगे कल नवयुग आया कि आया। इतना स्पष्ट है, नशा है। सभी नवयुग के राज्य अधिकारी हैं, सभी राजा बनेंगे तो प्रजा बनाई है। आप सब तो राजा हो, लेकिन राज्य किस पर करेंगे? अपने ऊपर। तो बाप दादा नवयुग और नया वर्ष डबल देख रहे हैं। कल की बात है ना, वो भी कल और ये भी कल की बात है। फिर नवयुग होगा ना, अपने नवयुग की ड्रेस सामने दिखाई देती है। बस पुरानी ड्रेस छोड़ेंगे और नई ड्रेस धारण करेंगे। तो वो ड्रेस अच्छी, चमकीली, सुंदर है ना? अभी तो देखो हर व्यक्ति में कोई ना कोई नुक्स होगा। कोई की नाक टेढ़ी होगी, किसी की आंख टेढ़ी होगी और किसी के होंठ ऐसे होंगे। और नवयुग में सब नंबर वन, हर कर्मेंद्रिय एक्यूरेट। तो ऐसी ड्रेस सामने खूंटी पर लगी हुई है ना, बस पहननी है। अपनी ड्रेस अच्छी पसंद है, देख रहे हो ना? तो बाप दादा सदैव जब हर एक बच्चे को देखते हैं तो क्या देखते हैं? एक तो हर एक के मस्तक की चमकती हुई मणि श्रेष्ठ आत्मा को देखते हैं और साथ साथ हर एक बच्चे के भाग्य की श्रेष्ठ लकीर को देखते हैं। हर एक का भाग्य कितना श्रेष्ठ है। सभी का भाग्य श्रेष्ठ है ना, कि किसी का मध्यम भी है? सभी वन हैं, सेकंड, थर्ड और आने वाले हैं। अच्छा है, दुनिया वाले कहते हैं कि आपके मुख में गुलाब, और बाप दादा कहते हैं आपके मुख में गुलाब जामुन। गुलाब जामुन सबको बहुत अच्छा लगता है ना? तो गुलाब जामुन या मिठाई खाने के लिए ही बाप दादा ने हर गुरुवार भोग का रखा है। भोग में खुद भी खाते हो और बाप दादा को भी स्वीकार कराते हो। घर में बनाए नहीं बनाए, लेकिन गुरुवार को तो मीठा मिलेगा ना। और जब कभी खुशी का उत्सव होता है तो मुख ही मीठा कराते हैं। मीठा मुख अर्थात मीठा मुखड़ा। मुख मीठा तो सब करते हैं, लेकिन आप सबका मुख भी मीठा है तो मुखड़ा भी मीठा है या थोड़ा थोड़ा कड़वा भी है।
अगर एक लकीर भी कड़वे की हुई तो आज वर्ष को विदाई देने के साथ साथ इस थोड़े से कड़वेपन को भी विदाई दे देना। विदाई देना आता है कि पास में रखना अच्छा लगता है, या विदाई देकर फिर बुला लेंगे और फिर कहेंगे हम तो छोड़ना चाहते हैं लेकिन माया नहीं छोड़ती है। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि हमने छोड़ दिया लेकिन माया आ गई। वहां जाकर फिर ऐसे पत्र लिखेंगे विदाई तो सदा काल के लिए विदाई। तो विदाई देने का अर्थ ही है कि फिर आने नहीं देना, या कभी कभी आ जाए तो कोई हर्जा नहीं। पूछ रहे हैं पापा, क्योंकि पुराने संस्कार कईयों को बहुत अच्छे लगते हैं। आज कहेंगे कल से नहीं होगा और फिर परसों परवश हो जाएंगे, तो उसको विदाई नहीं कहेंगे ना। तो विदाई देना भी सीखो। वर्ष को विदाई देना तो कॉमन बात है, लेकिन आप सबको अंश वंश सहित माया को विदाई देना है। अंश मात्र भी नहीं रहे। कई बच्चे कहते हैं कि 75% तो फर्क पड़ गया है, और भी पड़ जाएगा, लेकिन माया अंश से वंश बहुत जल्दी पैदा करती है। 25% अंश मात्र भी रहा तो 25 से 50 तक भी बहुत जल्दी पहुंच सकता है। इसलिए अंश सहित समाप्त करना है। तो नए वर्ष में क्या करेंगे? पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ साथ माया के अंश को भी विदाई देना। और विदाई के साथ साथ बधाई भी देते हो ना, कि कल सभी एक दो को मिलेंगे तो कहेंगे नए वर्ष की मुबारक हो, बधाई हो। तो विदाई दो, और विदाई के साथ साथ अपने को भी और दूसरों को भी सदा फरिश्ते स्वरूप की बधाई दो। है ही फरिश्ता, ऊपर से नीचे आए, अपना कार्य किया और उड़ा। फरिश्ते यही करते हैं ना, उड़ती कला की निशानी पंख दिखाए हैं। कोई आर्टिफिशियल पंख नहीं है, लेकिन ये फरिश्तों को जो पंख दिखाते हैं उसका अर्थ है फरिश्ता अर्थात उड़ती कला वाले। तो फरिश्ते स्वरूप की बधाई स्वयं को भी दो और दूसरों को भी। सदा फरिश्ते स्वरूप के स्मृति में भी रहो और दूसरे को भी उसी स्वरूप से देखो। फलानी है, फलाना है नहीं, फरिश्ता है। ये फरिश्ता संदेश देने के निमित्त है, समझा? तो सभी को फरिश्ते स्वरूप की मुबारक दो। चाहे कोई कैसा भी हो, लेकिन दृष्टि से सृष्टि बदल सकती है। जब दृष्टि से सृष्टि बदल सकती है तो क्या ब्राह्मण नहीं बदल सकता? तो आपकी दृष्टि स्मृति हर आत्मा को बदल देगी। हम जैसा उसे देखेंगे ना, वो वैसा ही बदल जाएगी, क्योंकि बाबा जैसा हमें दिखता है तो हम भी तो बदल रहे हैं ना। तो ऐसे ही हमारी भी दृष्टि किसी भी आत्मा के प्रति कैसी होगी, वो वैसा बदल जाएगी। तो बापा दादा को कभी कभी बच्चों पर हंसी आती है, आप लोगों को भी अपने ऊपर आती है? तो बाबा कहते हैं, एक तरफ कहते हैं कि हम विश्व परिवर्तक हैं, विश्व कल्याणकारी हैं, और फिर विश्व परिवर्तक आकर कहता है बाबा को, क्या कहता है, कि ये मेरे से बदली नहीं होता। अपने प्रति भी कभी रूढ़िहान में कहते हैं, चाहते हैं कि ये नहीं करें, फिर भी कर लेते हैं। तो विश्व परिवर्तक और स्वयं के लिए ही कहें कि मैं चाहता हूं, बाबा कहते हैं तो विश्व परिवर्तक, और अपने लिए क्या कह रहा है कि मैं चाहता हूं लेकिन कर नहीं पाता हूं। तो फिर उसका टाइटल क्या होना चाहिए? उसको विश्व परिवर्तक कहना चाहिए कि कमजोर कहना चाहिए? गीत तो सुनाते हैं ना, क्या करें कैसे करें पता नहीं कब होगा, बाबा को बोलते हैं ना ये। तो ये गीत बाप दादा तो सुनते हैं ना। जब विश्व परिवर्तक हैं, विश्व कल्याणकारी हैं, तो क्या कोई आत्मा को नहीं बदल सकते? आप स्वयं को नहीं बदल सकते? अगर स्व परिवर्तक भी नहीं तो विश्व परिवर्तक कैसे होंगे, कैसे औरों को बदलेंगे? तो बाप दादा कहते हैं, इस वर्ष की विशेष दृढ़ प्रतिज्ञा स्वयं से करो। किससे करनी है? स्वयं से। प्रतिज्ञा का अर्थ ही है कि शरीर चला जाए, लेकिन जो प्रतिज्ञा की है वह प्रतिज्ञा नहीं जाए। तो प्रतिज्ञा करने की इतनी हिम्मत है? करेंगे? डरेंगे तो नहीं?
तो यही प्रतिज्ञा स्वयं से करो कि कभी भी किसी की कमजोरी व कमी को नहीं देखेंगे, किसी की कमजोरी कमी को नहीं सुनेंगे, नहीं बोलेंगे, ना सुनेंगे, ना बोलेंगे, ना देखेंगे। क्या प्रतिज्ञा करनी है कि हमने किसी की भी कमी कमजोरी को नहीं देखना, ना सुनना है, ना बोलना है। तो ये वर्ष क्या हो जाएगा? ये वर्ष हो जाएगा शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष। तो सबको, सबके गुण देखेंगे, कमी कमजोरी नहीं देखनी, तो फिर क्या रह जाएगा उसमें? गुण रह जाएंगे ना। सबके गुण देखेंगे और उसके प्रति शुभ भावना रखेंगे, और जो देखेंगे उसके गुणों को देखेंगे तो वो गुण स्वरूप ही बनेगा। बाबा कहते तो हर वर्ष को अपना अपना नाम देते हो ना, जब ये प्रतिज्ञा सभी कर लेंगे तो ये वर्ष हुआ। क्या वर्ष हुआ? शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष, क्योंकि हमने उसके प्रति शुभ भावना रखी और उसके गुण देखे और उसको वैसे ही वो बदल गया। मंजूर है? पूछ रहे हैं बाबा, मंजूर है सबको? फिर वहां जाकर नहीं बदल जाना, कहां घर जाकर बदल नहीं जाना। फिर कहेंगे मधुबन में तो वायुमंडल अच्छा था ना, और यहाँ तो वायुमंडल का संग है ना, तो घर आकर तो हम कहेंगे कि वहां पर तो सभी बाबा के बच्चे थे, यहाँ पर तो कैसा संग है। तो परिवर्तक है ना, जो किसी के संग में नहीं आता, किसी के प्रभाव में नहीं आता। अगर परिवर्तक ही प्रभाव में आ जाएगा तो परिवर्तन क्या करेगा? और खुद ही बदल जाएगा तो दूसरों को कैसे बदलेगा? इसलिए इस वर्ष को गुणमूर्त शुभ भावना वर्ष के रूप में मनाओ। किसी की अशुभ बात को भी अपने पास शुभ करके उठाओ। किसी ने जो भी कहा उसको क्या देखो? उसकी पॉजिटिव साइड देखो। अशुभ देखते हुए भी आप शुभ दृष्टि से देखो, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स देखो। अगर गलत भी किया उसमें भी कुछ अच्छा ढूंढो। जब प्रकृति को बदल सकते हैं तो क्या मनुष्य आत्मा को नहीं बदल सकते हो? बाबा कहते हैं ना, आप प्रकृति जीतो। तो बाबा ने कहा कि प्रकृति को भी बदलने की ताकत रखते हो तो मनुष्य आत्मा को नहीं बदल सकते, और उसमें भी कौन सी ब्राह्मण आत्माएं हैं, उनको नहीं बदल सकते हो। जब सबके प्रति शुभ भावना होगी तो कारण शब्द समाप्त होकर निवारण शब्द ही दिखाई देगा। इस कारण से हुआ, इस कारण हुआ नहीं, कारण को निवारण में परिवर्तन करो। हिम्मत है? बोलो, है हिम्मत? अच्छा, बाप दादा जब टीवी खोलते हैं तो बड़ा मजा आता है। बाबा भी टीवी देखते हैं ना, तो ये कलयुग की टीवी नहीं देखते बाबा, ब्राह्मणों की टीवी देखते हैं। ऐसे नहीं कि आप लोग वह टीवी खोल लो, ऐसे नहीं करना। तो जब बच्चों का खेल देखते हैं ना तो बहुत मजा आता है। बाबा कहते हैं मिक्की माउस का खेल तो करते ही हो, थोड़े टाइम के लिए कोई शेर बन जाता है, कोई कुत्ता बन जाता है। जिस समय क्रोध करते हो उस समय क्या हो, क्या हो उस समय? बाबा कहते हैं जिस समय किससे डिस्कस करते हो, उसके ऊपर वार करते जाते हो, सिद्ध करते जाते हो, तो उस समय क्या हो? मिक्की माउस ही बन जाते हो ना। तो इस वर्ष मिक्की माउस नहीं बनना, क्या बनना है? फरिश्ता बनना। तो मिक्की माउस का खेल बहुत किया तो ये वर्ष ऐसे शक्तिशाली वर्ष मनाना, क्योंकि समय तो बहुत समीप आना भी है और लाना भी है। ड्रामा अनुसार आना तो है ही, लेकिन लाने वाले कौन हैं? आप ही हो ना। और दूसरी विशेषता इस वर्ष में क्या करेंगे? नए वर्ष में एक तो बधाइयां देते हो और दूसरा गिफ्ट देते हो। तो इस नए वर्ष में सदैव हर एक को, जो भी जब भी संबंध संपर्क में आए, चाहे ब्राह्मण परिवार, चाहे और आत्माएं हों, तो उन सबको एक तो मधुर बोल की गिफ्ट दो, स्नेह के बोल की सौगात दो, और दूसरा सदैव कोई ना कोई गुण की, शक्ति की सौगात दो। तो खाली हाथ नहीं मिलना किसी से हमने, चाहे ब्राह्मण परिवार का हो, कोई भी हो, कोई भी जो हमारे सामने आए, हमारे पास आए, उसे एक मधुर बोल, मीठे बोलों की गिफ्ट दो, और उसको कोई ना कोई गुण और शक्ति दो। तो बाबा कहते ये सौगात सेकंड में भी दे सकते हो। तो उसके लिए ऐसे नहीं कह सकते कि टाइम ही नहीं मिला, ना लेने वाले को टाइम था, ना देने वाले को टाइम था।
लेकिन अगर अपनी श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना की वृत्ति है ना, तो सेकंड के संकल्प से, दृष्टि से, दिल की मुस्कुराहट से सेकंड में किसी को भी बहुत कुछ दे सकते हो। देखो बाबा क्या कहते हैं, हम क्या देते, टाइम नहीं है, मिलने का समय नहीं है, लेकिन बाबा क्या कहते हैं, एक सेकंड में भी आप बहुत कुछ दे सकते हो। अगर उसको देखकर शुभ संकल्प कर लिया, उसको उस दृष्टि से देख लिया, तो बहुत कुछ दे दिया उसे। तो जो भी आए उसको गिफ्ट देनी है, खाली हाथ नहीं जाना, भेजना उसे। तो इतनी गिफ्ट आपके पास है कि दो दिन देंगे और तो खत्म हो जाएगी? सभी का स्टॉक भरपूर है कि कोई का स्टॉक थोड़ा कम हो गया है? जिसके पास कम हो वो हाथ उठा लो, भर देंगे बाबा। तो जिसके पास कमी हो वो चिट्ठी लिखकर जनक को दे देना, दादी जानकी को दे देना, बाबा कहते वो क्लास करा देगी तुम्हें। कमी तो नहीं रहनी चाहिए ना, दाता के बच्चे और कमी हो तो अच्छा नहीं है ना, इसलिए भरपूर होकर जाना, कमी को लेकर नहीं जाना। वर्ष के साथ कमियों की भी विदाई देकर जाना, कमियों को भी विदाई देकर जाना। ऐसे नहीं कि सिर्फ कल एक दिन का ही गिफ्ट देना है, नहीं, सारा वर्ष सबको गिफ्ट बांटते जाओ। बिना गिफ्ट के कोई नहीं जाए तो कितना अच्छा लगेगा। अगर कोई आता है उसको छोटी सी प्यार से गिफ्ट दे दो तो कितना खुश होता है। वो चीज को नहीं देखते, लेकिन गिफ्ट अर्थात स्नेह के स्वरूप को देखते हैं। तो गिफ्ट से कोई मालामाल नहीं हो जाते हैं, लेकिन स्नेह से मालामाल हो जाते हैं। छोटी सी भी गिफ्ट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। तो उस छोटी सी गिफ्ट से थोड़ी हमारे घर भर जाएंगे, लेकिन उस गिफ्ट के रूप में जो हमें प्यार मिला वो मन को भर देता है ना। तो स्नेह देना और स्नेह लेना। अगर कोई आपको स्नेह नहीं भी दे तो भी आप उनसे ले लेना। देखो बाबा क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान से सुने। बाबा कहते अगर कोई आपको स्नेह नहीं भी दे तो भी आप उनसे ले लेना। लेना आएगा कि शर्म करेंगे, कैसे लें? इस लेने में कोई हर्जा नहीं है। वो आप पर क्रोध करे और आप स्नेह के रूप में ले लेना। उसने गुस्सा किया तो आप उस गुस्से को क्या समझो कि यही उसका प्यार है, है ना। तो कोई गुस्सा क्यों करता है, उसके पीछे उसकी कोई कमी कमजोरी है। तो बाबा कहते आप उसको भी स्नेह के रूप में ले लेना। आप विश्व परिवर्तक हो ना, आपको तो चेंज करना आता है। उसका नेगेटिव क्या कर रहे हो, पॉजिटिव में कर दो। तो बाबा कहते आप तो विश्व परिवर्तक हो ना, तो विश्व परिवर्तक किसी के नेगेटिव को पॉजिटिव में नहीं बदल सकता है क्या? तो ये वर्ष सदा स्नेह देना और स्नेह लेना। ऐसे नहीं कहना कि कोई ने दिया ही नहीं, क्या करूं, वो दे या ना दे आप ले लो, कुछ तो देगा ही ना आपको, है ना। तो सामने वाला कुछ तो देगा, या पॉजिटिव देगा या नेगेटिव देगा, है ना। नेगेटिव दे या पॉजिटिव दे, कुछ तो देगा ही। लेकिन हे विश्व परिवर्तक, अब देखो बाबा हमें क्या बोल रहे हैं। बाबा कहते हे विश्व परिवर्तक, आप नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर लेना। समझा इस वर्ष क्या करना है? अच्छा, डबल विदेशी क्या करेंगे, गिफ्ट देंगे, दाता बन गए हो। सभी ने कहा हाँ। तो बाबा कहते वाह, दातापन की मुबारक हो। तो बाप दादा रोज बच्चों की एक बात देखते हैं, कौन सी, कि ये मैं और मेरा ये परेशान कर देता है। कभी मेरा आ जाता है, कभी मैं आ जाता है, जो बीच बीच में परेशान करता है। तो जब वर्ष परिवर्तन हो रहा है तो इस मैं और मेरे को भी चेंज करो, इसको भी परिवर्तन करो। बाबा कह रहे अब सब कुछ चेंज हो रहा है तो इसको भी बदली करो। शब्द भले मैं बोलो, लेकिन मैं कौन, ओरिजिनल मैं किसको कहते हैं, शरीर को या आत्मा को? तो मैं आत्मा हूं। तो जब भी मैं शब्द यूज करते हो तो क्यों नहीं मैं शब्द का ओरिजिनल स्वरूप, ओरिजिनल अर्थ स्मृति में रखते हो। तो जब भी बोलना पड़े कि मैं ऐसा करूंगा तो उस मैं में कौन आना चाहिए कि मैं आत्मा। कैसी आत्मा, शक्तिशाली आत्मा। तो बाबा कहते
तो जब भी मैं शब्द यूज करते हो तो क्यों नहीं उस मैं शब्द का ओरिजिनल स्वरूप, ओरिजिनल अर्थ स्मृति में रखते हो। और सारे दिन में कितनी बार मैं शब्द यूज करते हो, करते ना कितनी बार, बाबा कहते करना ही पड़ता है ना, तो मेरा भी कई बार यूज करते हो और मैं भी कई बार यूज करते हो। तो जितनी बार मैं शब्द यूज करते हो उतनी बार अगर वास्तविक अर्थ से मैं स्मृति में लाओ तो मैं धोखा देगा या उड़ाएगा। कितनी बार दिन में बोलते ना मैं मेरा, तो अगर हम उस मैं में मैं कौन हूं उसको याद कर लें तो क्या हो जाएगा, वो समय मेरा योग में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, बाबा की याद में कन्वर्ट हो जाएगा, वो वेस्ट नहीं जाएगा, वो हमें धोखा नहीं देगा। तो जब भी मैं शब्द यूज करते हो उस समय यही सोचो कि मैं आत्मा हूं, क्योंकि मैं और मेरे शब्द के बिना रह भी नहीं सकते हैं, बोलना ही पड़ता है और आदत भी है हमें, है ना। तो मैं मेरे के पक्के संस्कार हो गए हमारे। तो जिस समय मैं शब्द यूज करते हो उस समय ये सोचो कि मैं कौन, मैं शरीर तो हूं ही नहीं ना। तो बॉडी कॉन्शियसनेस जब आवे, जब मैं शरीर हूं, शरीर तो मेरा कहते हो ना कि मैं शरीर कहते हो, कभी गलती से कहते हो कि मैं शरीर हूं, गलती से भी नहीं कहेंगे ना कि मैं शरीर हूं। तो मैं शब्द और ही स्मृति और समर्थी दिलाने वाला शब्द है, गिराने वाला नहीं है। तो परिवर्तन करो, जैसे नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए बोला ना बाबा ने, तो इस मैं शब्द का जो पॉजिटिव, जो यथार्थ अर्थ है उसको याद करना है। तो बाबा कहते ऐसे उसको चेंज करो। विश्व परिवर्तक पक्के हो ना, पक्के है ना विश्व परिवर्तक, तो देखना कच्चे नहीं बनना। तो मैं शब्द को भी अर्थ से परिवर्तन करो। तो जब भी मैं शब्द बोलो तो उस स्वरूप में टिक जाओ, और जब मेरा शब्द यूज करते हो तो सबसे पहले मेरा कौन, सारे दिन में मेरा मेरा तो बहुत बनाते हो, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी ये चीज, मेरा परिवार, मेरा सेंटर, मेरा जिज्ञासु, मेरी सेवा इसने क्यों की, तो यही कहते हो ना, खेल तो करते रहते हो ना। तो जब मेरा शब्द बोलते हो तो मेरा कहने से पहले ये याद करो कि मेरा कौन, पहले मेरा बाबा ये याद करो, फिर मेरा और याद करो। तो जहां बाप होगा वहां देह अभिमान व गिरावट नहीं आएगी। तो मैं और मेरा इन दोनों शब्दों को उस वृत्ति से, उस दृष्टि से, उस अर्थ से देखो और बोलो। मेरा शब्द मुंह से निकले और पहले मेरा बाबा याद आए, है ना, तो निरंतर योगी तो हो जाएंगे ना, क्योंकि हर घंटे में मेरा और मैं शब्द यूज करते हो तो हर घंटे में क्या हो जाएगा, बाबा की याद जमा होती जाएगी। तो कारोबार में भी करना पड़ता है ना, तो जितनी बार ये रिपीट करो मुख से, बोलो वो मन से सोचो मैं या मेरा, तो अर्थ को चेंज करो। हद से बेहद में जाना है ना हमको, तो जब बेहद सृष्टि की परिवर्तक आत्माएं हो तो हद में क्यों जाते हो, तो सिर्फ भारत परिवर्तक तो नहीं हो ना, या डबल विदेशी सिर्फ फॉरेन परिवर्तक तो नहीं हो ना, विश्व परिवर्तक हो। विश्व अर्थात बेहद, विश्व परिवर्तक हैं ये पक्का याद है ना, तो ऑटोमेटिकली निरंतर योगी सहज बन जाएंगे, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि भाव और भावना बदल जाएगी। अच्छा, चारों ओर के नवयुग के राज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन के निमित्त विशेष आत्माओं को सदा पुरुषार्थ में नवीनता श्रेष्ठता लाने वाले सर्व स्नेही आत्माओं को सदा बाप का नाम प्रत्यक्ष करने वाले सपूत आत्माओं को सदा मेरा और मैं को यथार्थ भाव और अर्थ में लाने वाले सहज योगी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा जी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
बाबा ने आज वरदान दिया, आगे पीछे सोच समझ कर हर कार्य करने वाले ज्ञानी तू आत्मा त्रिकाल दर्शी भव। आगे पीछे सोच समझ कर हर कार्य करने वाले ज्ञानी तू आत्मा त्रिकालदर्शी भव। जो बच्चे त्रिकालदर्शी अर्थात तीनों कालों का ज्ञान बुद्धि में रख आगे पीछे सोच समझ कर कर्म करते हैं, उन्हें हर कर्म में सफलता मिलती है। ऐसे नहीं कि बहुत बिजी था इसलिए जो काम सामने आया वह करना शुरू कर दिया, नहीं। कोई भी कर्म करने के पहले ये आदत पड़ जाए कि पहले तीनों काल का सोचना है, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर कर्म करो तो कोई भी कार्य व्यर्थ व साधारण नहीं होगा। स्लोगन है, अपने संतुष्ट और खुशनुमा जीवन से सेवा करो तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। अपने संतुष्ट और खुशनुमा जीवन से सेवा करो तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।